नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताएंगे जो 7.5 तीव्रता का भूकंप सहन करने के बाद भी आज भी उसी स्थिति में गगन को चूमती हुई खड़ी है। आज हम आपको बताएंगे ताइपे 101 नामक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग चमत्कार के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिस टेक्नोलॉजी के कारण यह विशाल गगनचुम्बी इमारत 7.5 तीव्रता के बड़े भूकंप का सामना करने में कामयाब रही। ताइवान की राजधानी के केंद्र में गर्व से खड़ा ताइपे 101 न केवल आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक है बल्कि प्रकृति के प्रकोप का सामना करने के लिए संरचनाओं को डिजाइन करने में मानवीय सरलता का प्रमाण भी है। ताइपे 101 को इतना अनोखा क्या बनाता है? खैर, इसकी सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसके मूल में गहराई से निहित है, ट्यून मा डैम्पर। इमारत की 92 मंजिल से लटके एक विशाल पेंडुलम की आप कल्पना करें। 660 मीट्रिक टन वजनी यह विशाल स्टील का गोला भूकंपीय ताकतों के प्रति संतुलन का काम करता है। भूकंप के दौरान जमीन जोर से हिलती है जिससे इमारत में झटके आते हैं। उचित शमन के बिना इससे क्षति हो सकती है, लेकिन यहीं पर ट्यून मास डैम्पर चलन में आता है। जैसे ही इमारत हिलती है ताइपे 101 के अंदर का पेंडुलम विपरीत दिशा में घूमता है जो भूकंप के कारण होने वाली गति का प्रभावी ढंग से प्रतिकार करता है। यह इमारत के दोलन को कम करता है, यानी यह इमारत में हो रही वाइब्रेशन को कम करता है जिससे यह स्थिर और सुरक्षित रहती है। जब भूकंपीय लचीलेपन की बात आती है तो ट्यून मास डैम्पर एक गेम चेंजर है। यह पूरी इमारत के लिए एक विशाल स्टेबलाइजर रखने जैसा है। हाल ही में ताइपे 101 को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा जब ताइवान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। जमीन जोर से हिल गई, लेकिन सावधानी पूर्वक डिजाइन और ट्यून किए गए मास डैम्पर की प्रभावशालिता के कारण ताइपे 101 सुरक्षित बच गया। जबकि आसपास की इमारतों को बहुत नुकसान हुआ, ताइपे 101 प्रकृति के प्रकोप के सामने लचीलेपन का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। तो अगली बार जब आप ताइपे 101 को देखें तो इसके मूल में छिपी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि को याद करें। एक लटकती हुई गेंद जो यह सुनिश्चित करती है कि यह गगनचुम्बी इमारत खड़ी रहे चाहे इसके रास्ते में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।